नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज नाथ, ज्ञान एकेडमी राजस्थान में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपका सर्दी से बचाव होगा, आपकी पढ़ाई मस्त चल रही होगी। तो दोस्तों, जो राजस्थान की जो बुक्स हैं अपनी, उनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पर्सन हैं, उन पे अपने डिस्कशन कर रहे हैं दोस्तों। चलो दोस्तों, डिटेल में डिस्कशन करते हैं। चूहों के कारण, दोस्तों क्वेश्चन है, चूहों के कारण किस मंदिर को जाना जाता है? तो किस मंदिर को जाना जाता है दोस्तों? करणी माता जी का मंदिर, बिल्कुल सही है। पर कुछ और भी फैक्ट है इसके साथ में दोस्तों, सोचते हैं, चलो उनको भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो जो करणी माता जी थे दोस्तों, किनकी कुलदेवी हैं दोस्तों? ये दोस्तों चारणों की कुलदेवी हैं दोस्तों। और इष्ट देवी किनके हैं? तो जो बीकानेर के जो दोस्तों अपने राठौड़ हैं, उनके दोस्तों की इष्ट देवी है। कुलदेवी तो दोस्तों चारणों के हैं और इष्ट देवी इनके अपने राठौड़ों के। दोस्तों दोनों में क्या फर्क होता है दोस्तों? कुलदेवी वो होते हैं जो किसी कुल का, यानी कोई समुदाय होते हैं, समुदाय नहीं, किसी जाति विशेष को मान लो। चलो जैसे ये चारणों की बात कर रहे हैं, तो चारण है उनकी कुलदेवी, मतलब मैन देवी चारण चारणों की करणी माता जी हैं। इष्ट देवी वो होती है जो किसी स्थान पे जाते हैं, वहां पे कोई देवता होते हैं, उसको मानने लग जाते हैं, वो इष्ट देवी हो जाती है दोस्तों। कुल उस कुल के अंदर मनाई जाती है, इष्ट देवी वहां पे वैसे हो गई। तो दोस्तों जो अपनी करणी माता जी हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसमें अच्छा डिस्कशन कर लेते हैं। इनका जन्म हुआ था दोस्तों मेहा जी के घर पे हुआ था, जो मेहा जी चारण थे, और अपने देवल बाई, मेहा जी और देवल बाई इनके घर पे दोस्तों करणी माता जी था, उनका जन्म हुआ था। और बचपन का क्या नाम था दोस्तों करणी माता जी का? रिद्धि बाई था दोस्तों करणी माता जी का। एक माता देवी कह सकते हैं दोस्तों, जिन्होंने अपने मंदिर की नींव स्वयं रखी थी। और उसके अलावा अगर बात करते हैं तो इनके मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया गया था? तो देशनोक में करवाया गया था दोस्तों। और देशनोक कहाँ पर है दोस्तों? ये अपना बीकानेर के अंदर है दोस्तों। और उसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट बात है कि 19वीं शताब्दी के अंदर दोस्तों जो इसका मूल मंदिर था, किसने बनाया था दोस्तों? वो मूल मंदिर तो दोस्तों बनाया था इनका जेत सिंह जी ने बनाया था 19वीं शताब्दी के अंदर, ठीक है। और जो इसका भव्य स्वरूप, वर्तमान जो स्वरूप देखते हैं दोस्तों, उसका निर्माण किसने करवाया था? उसका करवाया था दोस्तों अपना सूरज सिंह जी ने। सूरज सिंह जी दोस्तों वर्तमान स्वरूप का निर्माण करवाया था। और जो मूल है, मूल का निर्माण किसने करवाया था? जीत सिंह जी ने करवाया था। तो करणी माता जी के बारे में दोस्तों अपना डिस्कशन कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, ऊंटों के देवता के रूप में, ऊंटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? तो ऊंटों के रूप देवता के रूप में किसे पूजा जाता है दोस्तों? बाबूजी महाराज है, उनको पूजा जाता है। अब बाबूजी महाराज है, उनके भी कुछ फैक्ट्स हैं, वो भी अपने डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों। जो बाबूजी महाराज है दोस्तों, ये दोस्तों जो पंचपीर हैं, पंचपीर में से एक हैं, ठीक है, बाबूजी महाराज अपने हैं। और पंचपीर कौन से हैं दोस्तों? एक लाइन में आपको याद हो जाएंगे, मैंने ऐसे बनाया था, बाबूजी रा मांगो, बाबूजी रा मांगो, इसे दोस्तों आपको पंचपीर याद होते हैं। बाबूजी से दोस्तों बाबूजी हो जाते हैं, और आपके रा से रामदेव जी हो जाते हैं, है से हडबूजी हो जाते हैं, माँ से मंगलेश जी हो जाते हैं, गो से गोगा जी हो जाते हैं। तो पंचपीर है दोस्तों, इस एक लाइन में आ जाते हैं, बाबूजी राह मांगो, इसे पंचपीर याद हो गया अपने को, ठीक है दोस्तों। अब जो बाबूजी की बात करें, पंचपीर में से एक है। इसके अलावा ऊंटों के देवता कहे जाते हैं दोस्तों, प्लेग के रक्षक के देवता कहे जाते हैं। इनका जन्म दोस्तों आपके फलोदी के अंदर एक कोलू गांव है अपना, कोलू गांव में दोस्तों इनका जन्म हुआ था। जो इनकी घोड़ी थी उसका क्या नाम है दोस्तों? उसका नाम है दोस्तों केसर काल में तो दोस्तों बाबूजी की घोड़ी का नाम था। और अगर बात करते हैं इनकी पत्नी का क्या नाम था दोस्तों, जो इनके पत्नी थी उनका नाम दोस्तों फूलम दे था दोस्तों। और जो इनके पिताजी थे दादा जी राठौड़ थे, माता माता जी इनके कमला दे थे दोस्तों। और भी कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं दोस्तों, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा डिटेल में बात ही कर लेते हैं, ताकि बाबू जी लोक देवता है वो कंप्लीट हो जाएंगे साथ के साथ में। जैसे ऊपर अभी मैंने बात की थी करणी माता जी हो गए, तो यहाँ पे बाबू जी कंप्लीट हो जाएंगे। तो जो बाबू जी है दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जो ऊंट था, ऊंट पालन को दोस्तों बाबू जी महाराज है वो ही लेके आए थे, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों बात करते हैं कि ऊंट पालन कौन करता है, तो एक दोस्तों आपकी रेबारी जाती है, उसके द्वारा दोस्तों ऊंट पालन किया जाता है, ठीक है। जब ऊंट दोस्तों बीमार हो जाता है तो दोस्तों बाबूजी की फट गाई जाती है, और जो फट गाई जाती है दोस्तों उसमें दोस्तों रावण हत्ता है उसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, रावण हत्ता है इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों फट के अंदर। और इस प्रकार से दोस्तों जब ठीक हो जाती है तो वो फट गाई जाती है। और प्रतिवर्ष दोस्तों चित्र अमावस्या को दोस्तों इनका मेला लगता है। तो आई थिंक दोस्तों इन डेप्थ अपनों ने बाबूजी महाराज उनको कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, राजस्थान की मातृभाषा है, तो राजस्थान की दोस्तों मातृभाषा कौन सी है? ये अपनी राजस्थानी मातृभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खाटू श्याम जी का मंदिर किस जिले में है? तो खाटू श्याम जी का मंदिर दोस्तों कहाँ पर है? खाटू श्याम जी का मंदिर दोस्तों अपना रिंगस के अंदर है। रिंगस कहाँ? सीकर के अंदर। उसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, राजस्थान के आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला, आदिवासियों का दोस्तों सबसे बड़ा मेला कौन सा है? बनेश्वर मेला है। बनेश्वर मेला दोस्तों कहाँ लगता है? ये लगता है दोस्तों डूंगरपुर के अंदर। उसके अलावा कुछ और भी फैक्ट्स हैं दोस्तों कि जो बनेश्वर मेला है दोस्तों ये किस लिए होता है? तो ऐसा माना जाता है दोस्तों, जो शिव जी है, शिव जी का 5 फुट का यहाँ पे स्वयंभू, यानी अपने आप पत्थर से बना हुआ एक शिवलिंग है जिसकी पूजा की जाती है। साथ में और क्या चीज है वहाँ पे दोस्तों? संत का नाम जुड़ा है दोस्तों,
और संत कौन है दोस्तों? संत अपने मावजी का नाम दोस्तों यहाँ से जुड़ा हुआ है, और ऐसा माना जाता है कि उन्हीं की याद के अंदर दोस्तों यहाँ पे मेला लगता है। कब मेला लगता है? माघ पूर्णिमा को। माघ पूर्णिमा को दोस्तों बंडवेश्वर में मेला लगता है। और कहाँ पे बना हुआ है दोस्तों? तो ये दोस्तों अपना सोमवाही जाखा में तीनों के दोस्तों संगम पे बना हुआ है। इस प्रकार से दोस्तों ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सातोटी तीज कब मनाई जाती है? भादो कृष्ण पक्ष तृतीया को, यानी भादवे की जो कृष्ण पक्ष काले गोरे अपन ने वीडियो किया होगा आपको याद होगा दोस्तों, तो कृष्ण पक्ष की दोस्तों तृतीया को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में अकबर से किस संत ने भेंट की? क्वेश्चन आ जाएगा राजस्थान के कौन से संत थे जिन्होंने अकबर से भेंट की थी? कहाँ भेंट की थी? फतेहपुर सीकरी में की थी। कब की थी? 1585 में की थी। किन्होंने की थी? तो दोस्तों दादू दयाल जी ने की थी। दादू संप्रदाय दोस्तों काफी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो दादू संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पे बनी है दोस्तों? तो वो बनी है दोस्तों नरेना के अंदर। नरेना बोल सकते हैं, नारायणा गांव बोल सकते हैं। प्रधान पीठ किसकी है दोस्तों? दादू संप्रदाय की प्रधान पीठ है दोस्तों। और इसके सत्संग स्थल है दोस्तों, सत्संग होती है, वो स्थल क्या कहलाते हैं दोस्तों? वो कहलाते हैं अलख दरीपा कहलाते हैं दोस्तों। अलख दरीपा किस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं? तो आ जाएगा दादू दयाल संप्रदाय से जुड़े हैं दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों इनका संप्रदाय है वो अलग अलग विभक्त हुआ हुआ है। उनकी शाखाएं हैं दोस्तों, खालसा शाखा होगी, खाकी शाखा होगी, नागा शाखा होगी, विरक्त शाखा होगी, उसके अलावा उत्तरादेह और निहंग हो गया। इस प्रकार से दोस्तों इनका जो संप्रदाय है काफी बाद में विभक्त हो गया था, दादू दयाल जी के बाद में शरीर छोड़ने के बाद के अंदर। और इस तरह से दोस्तों दादू दयाल जी हैं ये काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, दादू संप्रदाय जिसको बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन कौन थे दोस्तों? जाम्बोजी। तो जाम्बोजी थे दोस्तों वो बिश्नोई संप्रदाय के दोस्तों आपके संस्थापक माने जाते हैं, प्रवर्तक माने जाते हैं। बिश्नोई संप्रदाय के नाम लेते ही अपने को दिमाग में आता है 29 नियम। 29 नियम किससे संबंधित है? तो वो दोस्तों बिश्नोई संप्रदाय से संबंधित है। कब स्थापना की गई थी बिश्नोई संप्रदाय की दोस्तों? 1485 ईस्वी के अंदर दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। उसके अलावा इनके दो तीन ग्रंथ हैं दोस्तों बिश्नोई संप्रदाय है उनके अपने, एक अपने दोस्तों जम संहिता हो गई, एक जाम सागर हो गया। जो जाम सागर है दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो जाम सागर है इनका जो दोस्तों ग्रंथ है अपना बिश्नोई संप्रदाय का, इसके अंदर दोस्तों जो 120 शब्द दिए हुए हैं और जो 29 नियम अपने जानते हैं बिश्नोई संप्रदाय के, वो 29 नियम दोस्तों इस जाम सागर के अंदर ही दिए गए हैं। और प्रधान पीठ कहाँ है दोस्तों? वो इनकी मुकाम के अंदर है, मुकाम इनकी प्रधान पीठ है दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों अपनों ने ये आई थिंक छोटा सा क्वेश्चन था, इसके अंदर थोड़ी सी बात कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस संत का संबंध कतरिया सर बीकानेर से है? तो कतरिया सर से किसका संबंध है दोस्तों? बिल्कुल सही, जसनाथ जी इनका संबंध है। जहां विष्णुई संप्रदाय में दोस्तों अपने 29 नियम है, वहीं जसनाथ संप्रदाय में कितने नियम होते हैं दोस्तों? 36 नियम होते हैं। और इनकी प्रधान पीठ कौन सी है? कतरिया सर है। और जो जसनाथ जी थे इन्होंने कहाँ तपस्या की थी दोस्तों? इन्होंने तपस्या की थी अपना गोरख मालिया, गोरख मालिया दोस्तों स्थान है, वहां पर जसनाथ जी थे उन्होंने तपस्या की थी। और इसके अलावा इनके दो ग्रंथ हैं वो भी आ जाते हैं दोस्तों एग्जाम में, एक तो इनका है शंबुधड़ा दोस्तों एक ग्रंथ है इनका, इसके अलावा एक कोडा, कोडा बोलते हैं ये इनके ग्रंथ है। ये दो तो दोस्तों जसनाथ जी हैं इस संप्रदाय से, इसके दो ग्रंथ है दोस्तों। ये अपने गले के अंदर दोस्तों काली ऊन का धागा बांधते हैं, यानी ऊन धागे किससे संबंध है? काली ऊन धागे कौन बांधते हैं? वो दोस्तों जसनाथ जी संप्रदाय के लोग हैं वो बांधते हैं दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपन इसमें थोड़ा डिस्कशन कर लिया, साथ में दो तीन नाम है दोस्तों और स्थल है जो किसी संबंधित है। एक तो दोस्तों आपका बमलू, एक आपका लिखमानसर, बमलू लिखमानसर और पांचर, ये किससे संबंधित स्थल है दोस्तों? तो ये स्थल दोस्तों जसनाची संप्रदाय से संबंधित है दोस्तों। आप सोचोगे मैंने नाम क्यों लिखाए हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन मुझे याद नहीं, कोई एग्जाम था उसमें क्वेश्चन आया था कि ये जो निम्नलिखित जो स्थल है किससे संबंधित है, तो दोस्तों ये स्थल है वो जसनाची संप्रदाय उससे संबंधित रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, अब अपने नाथद्वारा के समीप जो मालेला गांव है वो किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो किस कला के प्रसिद्ध है दोस्तों? टेराकोटा जिसको बोलते हैं उस कला के लिए दोस्तों ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, थेवा कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? क्वेश्चन आ जाएगा थेवा कला से संबंधित कौन सा जिला है? तो कौन सा जिला है दोस्तों? प्रतापगढ़ जिला है अपना। और थेवा कला क्या होती है दोस्तों? थेवा कला दोस्तों सोने की मीनाकारी और पारदर्शी जो कांच से निर्मित वस्तुएं होती हैं उसको थेवा कला कहा जाता है दोस्तों, यानी अपने रत्न होते हैं सोने पे जड़े जाते हैं दोस्तों वो चीज होती है। और जो थेवा कला था दोस्तों इसका जन्म कब हुआ था? तो ऐसा माना जाता है दोस्तों जो 16वीं शताब्दी थी अपनी उसके अंदर आसपास में अपने जो प्रतापगढ़ रियासत थी उनके राजा कौन थे राजा दोस्तों? सावंत सिंह, सावंत सिंह जी थे उनके समय के अंदर दोस्तों इसका निर्माण हुआ था थेवा कला का। और इसके थेवा कला का जनक किसको माना जाता है दोस्तों? वो माना जाता है अपने नाथू जी सोनी है उनको दोस्तों थेवा कला का जनक माना जाता है। जो ये परिवार है सोनी परिवार ये अपना
प्रतापगढ़ से ही संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, काष्ठकला प्रधान केंद्र कौन सा है? तो दोस्तों काष्ठकला प्रधान केंद्र अपना बस्सी चित्तौड़गढ़ के अंदर है दोस्तों। तो दोस्तों इस पार्ट में इतना ही। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, जो दोस्त नए है वो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे दोस्तों उनके साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों किसी और वीडियो के साथ में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।